सो हेलो गाइस, यार मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हैं अमान अंसारी व्लॉग्स। और आज की वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना पहला फर्स्ट बाइक, सुपर बाइक, जो आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। तो आज की इस वीडियो में आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा फर्स्ट सुपर बाइक और ये मैंने यूट्यूब के इनकम से लिया है। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, फर्स्ट बाइक जब लेते हैं यूट्यूब के इनकम से मैंने लिया है। मतलब ये पूरे तरीके से अभी रैप है, अभी मैं इसे उठाऊंगा। उससे पहले यार आप लोग यार कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और गेस करना ये कौन सा बाइक होने वाला है। थोड़ा बाइक में नजर आ जाए तो ये कुछ इस तरीके का बाइक है, ढका हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है ये इस टाइप का बाइक भी निकल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि ये कौन सा बाइक होने वाला है। जो गेस करेगा उसे मेरे तरफ से मिलने वाला है शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में। जाओ जल्दी जाके गेस कर दो एंड अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम लोग रिवील करने वाले हैं अपनी पहली सुपर बाइक, बोलो स्पोर्ट्स बाइक बोलो, इसे अब अनरिवील करते हैं। और जो लोग भी यार सही जवाब दिया होगा ना यार, दिल से यार लव यू। अब यार जल्दी से अनरिवील करते हैं, 1, 2 एंड 3। ये है अपाची RR 310। ये मेरी पहली सुपर बाइक बोलो, स्पोर्ट्स बाइक बोलो, फर्स्ट बाइक बोलो, यूट्यूब से आई भी बाइक बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, यही है मेरी फर्स्ट बाइक। कैसी लगी नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ, कैसी लगी बाबू? इसका रिएक्शन लिया गया, कैसी लगी बाबू जल्दी बताओ, कैसी लगी? ठीक से ठीक लगी, अच्छी लगी, ठीक लगी ना? रेस करोगे? रेस नहीं करोगे? रेस नहीं कर रहा। अगर मैं इसको बात करूँ ना यार लुकिंग का, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मतलब कि क्या ही लुकिंग आता है इसका, रिएक्शन तो कमाल के आते हैं लोगों के। अगर कोई भी इसको बाइक देखता है तो एक बार मुड़ के ज़रूर देखता है, क्योंकि थोड़ा सा ना ये उतना रोड में आपको दिखेगा नहीं। मतलब अगर आप 10 बाइक 20 बाइक भी जाएगी, 50 बाइक भी जाएगी ना, तो उसमें शायद ही कोई एक बाइक ऐसी होगी। ओके, तो आप इसका लुक ही देख ही सकते हैं, कितना कमाल का लुक आ रहा है। सो गाइस, मैंने चूज़ किया था अपाची RR 310 TVS का, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है क्योंकि ये TVS का ब्रांड है और बहुत लोग TVS का ब्रांड सोचते हैं लूना को, तो ये लूना तो नहीं है, बट हाँ TVS इस टाइप की गाड़ी बना सकती है अपाची RR 310। इतनी बल्की और इतनी हैवी गाड़ी, 312 cc की वाली इंजन है, जो सच में बहुत ही मैसिव पावर में, और इसमें बहुत सारे मोड्स आते हैं। तो उतना मैं टेक्निकल भाषा में नहीं आने वाला क्योंकि मैं उतना टेक ऑन्थियास नहीं हूँ, बट हाँ मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ ये फर्स्ट बाइक है और मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ही अच्छा गुजरा है अभी तक जब मैं चला रहा हूँ इसे। मुझे लिए हुए 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है, इसमें सारे मोड्स मैंने यूज़ कर चुके हैं। और हाँ, इसका सबसे पहला पॉइंट था मुझे इस बाइक को चूज़ करने का, इसका लुक, जो मैसिव लुक आपको देखने के लिए बाइक में मिलता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा है। इस रेंज में ऐसा लुक आपको देखने नहीं मिलेगा। 310 cc के हिसाब से इसका लुक बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही अच्छा लुक है इसका। और इस रेंज में और भी बाइक्स आती हैं, लाइक नेकेड में आ गया, ड्यूक हो गया, और यार यहाँ पे आपको KTM भी देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर मैं अपना अगर बताऊँ तो KTM उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना ये कंफर्टेबल। इसका राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा, बट इसका पिलियन सीट उतना कंफर्टेबल नहीं है। बट आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बाइक आपको ओवरऑल कैसी लगी। जो था मैंने आपको सब चीज़ यहाँ पे बता दिया। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट नोट थोड़ा बहुत ठीक है, मैं आपको अभी सुनाऊंगा एग्जॉस्ट नोट। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, बट उतना लाउड नहीं है जितना 310 के हिसाब से होना चाहिए था। तो हो सकता है इन फ्यूचर में मैं एग्जॉस्ट भी चेंज करूँ, अभी का तो प्लान कुछ भी नहीं है। और हाँ, सबसे पहला बात है इसमें BMW का इंजन लगा हुआ है, तो अभी जो नई वाली BMW RR 310 लॉन्च हुई है सेम इसी ऐसी है, सेम एग्जैक्ट इससे ही है, बट इससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और उसका थीम थोड़ा चेंज है, इसका थीम थोड़ा चेंज है। ओके, बस बात यही है। और आप लोग कमेंट करके तो बता ही दोगे कि कैसी लगी आपको ये वाली बाइक। तो आ जाओ यार, इसका कुछ राइडिंग दिखाऊंगा मैं और इसका एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को अभी सुनाता हूँ मैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंजन को। तो अभी तो हम लोग नॉर्मली जो अर्बन मोड होता है, इकोनॉमी मोड होता है, उसी में एग्जॉस्ट सुनाएंगे क्योंकि सिटी में वही चलता है। तो
सुन सकते हैं ऐसा एग्जॉस्ट का नोड है, ठीक है, नॉर्मल साइलेंस में ऐसा रहता है। थोड़ा सा रेव देते हैं और इसका चेक करते हैं इसका कितना आता है, इस टाइप का आपको साउंड देखने के लिए मिलता है। ये था इसका एग्जॉस्ट नोड, कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर फाइनली आप लोगों को जितना बाइक दिखाना दिखा दिया, अब घर चल के बात करते हैं। और स्पेशल थैंक्स पठान साहब या भाई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, अगर ये नहीं आते सुबह 6 बजे तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड होता। और इनकी गाड़ी है पठान साहब, चलान नहीं कटता जी आपका, चलान कटे तो कटने दे। ओहो डायलॉग बन रहा है, नाम को थोड़ी हटने देंगे, डायलॉग बन रहे हैं पठान साहब के बुलेट से। तो चलो वीडियो लाइक कर देना, घर में बात करते हैं अब आपसे। तो फाइनली आप लोग ने रोजी से तो मिल लिया, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि रोजी आप लोग को कैसी लगी, और हैशटैग रोजी लव जरूर लिखना, क्योंकि यार ये मेरी पहली बाइक है और इसका बाइक का नाम ही मैंने रोजी रखा है। नाम कैसा है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, है ना लवली नाम, मुझे पता है क्योंकि मैंने ही जो रखा है। जो यार मैंने इससे पहले कभी बाइक ओन तो नहीं किया बट चलाया जरूर है, मेरे फ्रेंड के पास बाइक था और रिलेशन में भी जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास बाइक था, तो मैं कभी मांग करके चला लिया करता था, तो मुझे फील और बहुत ही पसंद था। लेकिन जब मैं ओन किया ना बाइक, तब मैं जान रहा हूँ हाँ सच में यार बाइक चलाना भी सच में बहुत ही अमेजिंग होता है। अब बहुत लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि ये बाइक यार किसके पैसे से आया, भाई या तो यूट्यूब के इनकम से, अपने फैमिली से लिया है। तो मैं आप लोग को बता देना, जो भी चीज यार ये बाइक के ऊपर मैंने लिया है जो खुद के ही पैसे से लिया है, क्योंकि आप लोगों का मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ऑलमोस्ट 3 या फिर 4 साल से यूट्यूब कर रहा हूं, ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एक बाइक लेना। बहुत लोग तो इससे बड़ी बड़ी चीजें भी ले चुके हैं, मैं तो एक छोटा सा बाइक ही लिया हूं, उसमें उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैं आप लोग को बता दूं, मैं 3-4 साल पहले से ये सब काम कर रहा था ये बाइक मैंने। और मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं, जब भी मैं रिलेटिव्स लोग से मिलता था, मेरे कजन लोग से मिलता था, तो वो लोग अगर ये वीडियो को देखें तो रिलेटेबल होगा उन लोग के लिए कि आज से अगर 3-4 साल पहले भी वो लोग मुझसे मिलते होंगे ना, जब मैं YouTube में आ चुका था, तब मैं ये बोलता रहता था कि भाई मेरे पास एक सेटअप होगा, मेरे पास DSLR होगा, मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक होगी। तो ये सब जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आज सोचा और कल कर दिया, ये सब चीज़ का प्लानिंग मैंने ऑलरेडी 6-5 साल पहले कर रखा था कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में। एंड आज मैं उसे धीरे धीरे प्लान कर करके धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर करके, सेविंग कर करके ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ मैनेज करके। अगर आपके भी अंदर है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप कर सकते हो, अपना काम आपको ईमानदारी से करना है, बस यही फॉर्मूला है। और आप लोग जो भी मेरे ऑडियंस है, मेरे फैमिली, मेरे लवली ऑडियंस है, बस वो लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं ये सब चीज अचीव कर पा रहा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी लाइफस्टाइल के बारे में और भी शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा पास्ट आप लोगों को नहीं पता, फ्यूचर मुझे नहीं पता, बट प्रेजेंट मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। ओके, अगर जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं वो लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास 2 चैनल है जिसमें 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको रोजी से मिल करके कैसा लगा। और हाँ यार, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यार और भी यार इस बाइक में मॉडिफिकेशन करने वाले, उसकी वीडियो भी आने वाली है, और आप लोग अपना सजेशन भी दे सकते हो, क्योंकि मुझे बाइक के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे बाइक में क्या क्या चीजें करानी चाहिए जो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके बताना कि ये मेरी बाइक रोजी कैसी लगी। इस तरीके से वीडियो देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बाइक के साथ, आई थिंक मोडो व्लॉगिंग होने वाली है दोस्तों, एंड मोडो व्लॉगिंग के लिए तैयार रहना। टेक केयर एंड गुड बाय।